दोस्तों आज हमारे साथ एक पेशेंट के रिप्रेजेंटेटिव और जुड़े हैं जिनको गंभीर समस्या थी, किडनी की समस्या थी और क्रिएटिनिन जो है वो बढ़ता चला जाता है। और जब क्रिएटिनिन बढ़ता है ना तो पूरा शरीर का सिस्टम हिल जाता है, साथ साथ फैमिली हिल जाती है, फाइनेंशियली भी हिल जाती है फैमिली और सब चीजों से प्रॉब्लम आ जाती है। जानेंगे उनसे क्या क्या समस्या थी और कैसे उनको इस समस्या का निजात मिला, कर्म आयोग। क्या नाम है पेशेंट का? शकुंतला दुबे। कहाँ के रहने? रीवा मध्य प्रदेश। रीवा काफी दूर है यहाँ से? जी जी, 600-700 किलोमीटर है। अराउंड 600 किलोमीटर। रीवा एमपी काफी दूर होता है। तो अब जब आए थे तो क्या समस्या आ रही थी माता जी को? सर एक्चुअली मेरी मदर का जो क्रिएटिनिन काफी हाई हो रहा था, पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो रही थी, कुछ खा नहीं रही थी और कंटिन्यू वॉमिटिंग कर रही थी। कंडीशन ऐसी हो गई थी, उनकी दवाई एक नेफ्रोलॉजिस्ट के यहाँ चल रही थी इलाहाबाद में। सो डॉक्टर ने कहा नाउ सी इन कंडीशन फॉर डायलिसिस और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। देन मैंने कहीं ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट किया और आपका शायद मैंने फेसबुक में कहीं पे देखा, कुछ रिव्यूज पढ़े। सो फिर मैं हमने सोचा एक बार लास्ट चांस आपके पास आते हैं और फिर मैं यहाँ पर क्लिनिक में आया और मुझे उस समय बिलीव नहीं था बट बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। सो मैंने क्या पर्सनल रिव्यू लिया, लोगों से पूछा कि आपको फायदा हो रहा है क्या, उन्होंने बोला हाँ फायदा हो रहा है। तो आई थॉट कि वी शुड ऑल्सो टेक अ चांस और फिर उसके बाद मैं आया आपके यहाँ। आपके यहाँ से जो दवाइयाँ मिली मैंने अपनी मदर को दिया, जो आपका रूटीन था, डाइट रूटीन था, हमने स्ट्रिक्टली फॉलो किया। और उसके बाद एक महीने बाद, क्योंकि हम अपने मदर को मंथली चेकअप में करवाता था एलोपैथिक मेडिसिन के लिए, तो हमने कराया तो 2200 की जो क्रिएटिनिन लेवल है वो बहुत कम है, कम आ गया था कंपेरेटिवली, 8 से अराउंड 4 के आसपास आ गया था। सो मैंने दूसरा टेस्ट कराया, थॉट कि हो सकता है लैब की रिपोर्ट में कोई इशू हो। देन एक एसआरएल से हमने कराया और दूसरा डॉक्टर लाल बैद से, और फिर हमने देखा ना कि जो क्रिएटिनिन लेवल और जनरली वो 4 के आसपास आ गया था, 8.06 से नीचे होकर के, और उनके हेल्थ में भी और सेहत में बड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, स्वेलिंग चली गई और चेहरे पे अगेन ऊर्जा आने लगी, थोड़ा बहुत खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती थी, खाने लगी, उनका जो यूरिन लगभग बंद हो चुका था वो आना स्टार्ट हुआ। सो हमें लगा कि इम्प्रूवमेंट है तो काफी अच्छा, 8 तक चला गया था क्रिएटिनिन। तो रीवा में क्या बताया था डॉक्टर ने उस समय? डॉक्टर ने बताया था कि ना आपको चांस नहीं है, आपको डायलिसिस कराना ही पड़ेगा, डायलिसिस के लिए आपको जाना ही। डायलिसिस के लिए एडवाइस कर दिया था? हाँ, उन्होंने बोला कि फिस्टुला बनवा लो बिकॉज इट विल टेक 1 month टू बी कंसीडर्ड। तो हमने बोला ठीक है, और लेकिन उसके जस्ट पहले ही मैं आपके पास आया। एंड नाउ बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए कि इस उम्र में माता जी को डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ी, ये बहुत अच्छी चीज है और बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए भी और पेशेंट के लिए भी। क्या रिपोर्ट दिखाएं पहले इनका क्रिएटिनिन कितना था? अगर आप क्रिएटिनिन देखेंगे तो ये जो रिपोर्ट है ये है 5 नवंबर की एंड 8.06 इज द क्रिएटिनिन लेवल व्हेन द पेशेंट फर्स्ट विजिटेड आज। बहुत बड़ा हुआ था क्रिएटिनिन लेवल, डायलिसिस एडवाइस कर दिया था रीवा एमपी में भी, 8 के आसपास क्रिएटिनिन आ गया था इनका, डायलिसिस समय एडवाइस कर दिया गया। उसके बाद सर मैं आपके यहाँ इस क्लिनिक में कर्म आयुर्वेद में 11 नवंबर को मैं आया और फिर उसके बाद हमने जो अपनी अगली कराई वो रिपोर्ट ली वो 8 दिसंबर को हमने दोबारा फिर टेस्ट कराया। 8 दिसंबर को? हाँ। सो क्रिएटिनिन 4.6 क्रिएटिनिन आ, मुझे तो बिलीव नहीं था, तो मैंने एसआरएल लैब से दोबारा एक टेस्ट कराया, अगेन क्रिएटिनिन वाज 4.0 तो 4.6 आ गया। तो अभी कहाँ है वो रिपोर्ट एसआरएल वाली? तो मेरे मोबाइल में है वो वाली एसआरएल वाली भी रिकन्फर्मेशन रिपोर्ट भी एक बार दिखा सकते। एक लैब से टेस्ट मत कराइए जब इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है, हम सारे पेशेंट को कहते हैं 2 लैब से कराइए ताकि आपको विश्वास हो जाए कि किस प्रकार कर्म आयुर्वेदा की औषधियों से किडनी के फंक्शन को बढ़ाया जा सकता है। जिस प्रकार शकुंतला दुबे का क्रिएटिनिन कम हुआ है, GFR बढ़ा है, वो संभव है करना और होता चला आ रहा है कर्म आयुर्वेदा में। एक नहीं सैकड़ों नहीं हजारों अनगिनत ऐसे पेशेंट जुड़ चुके हैं जिनको बहुत तरीकों से लाभ हुआ है किडनी की समस्या में। अब इनकी एक रिकन्फर्मेशन रिपोर्ट देखेंगे जो उन्होंने रिकन्फर्म करने के लिए एसआरएल लैब से कराई कि 8 से 4 एकदम से कैसे आ गया, रिकन्फर्मेशन रिक्वायर्ड। इन्होंने 2 बार टेस्ट कराया उस लैब से। सो दिखाएं, लेट मी सी, दिस इज क्रिएटिनिन 4.93
4.93 था, 4.93 ये था पहले, 4.93 आई थिंक ये जो रिपोर्ट है पांच छह दिन पहले का रिपोर्ट है ये। पहले हमने एसआरएल में कराया और उसके बाद के लिए हमने फिर ये कराया आराध्यापैथ में और लाल में। लाल ये रीवा में ही आराध्यापैथ इलाहाबाद में, इलाहाबाद में प्रयागराज में पड़ती है आराध्या, वहां से कराया उन्होंने। और उससे पहले उन्होंने यहाँ से एसआरएल से कराया और उससे पहले लाल पैथ से कराया था। 8 से लेके क्रिएटिनिन 4 की रेंज में दोनों रिपोर्ट दिखाएं एक बार साथ में ताकि सभी लोग देख पाए। और जरूरी है ये चीज, लोगों को जानकारी और जागरूकता नहीं है कि किस प्रकार कर्मा आयुर्वेदा में इसका इलाज हुआ है। आप देख सकते हैं इनका क्रिएटिनिन लेवल जो था वो 8 के आसपास था, वो घट के हो चुका है, 4 की रेंज में आ चुका है। रीवा एमपी की पेशेंट है शकुंतला दुबे और इनकी उम्र भी 68 ईयर्स है, मतलब एक बहुत डायलिसिस ना झेलने वाली सी उम्र है इनकी। डायलिसिस जो इस उम्र में कम कम जो होता है सस्टेन कर पाता, बगैर डायलिसिस के इनका क्रिएटिनिन कम हुआ। यस, क्या संदेश देना चाहेंगे किडनी के मरीज? मैं तो सबको यही संदेश देना चाहूंगा, जब मैं नेफ्रोलॉजिस्ट के पास मिला था तो उनका कहना था कि एक बार क्रिएटिनिन अगर बढ़ गया है तो एलोपैथी में कोई इलाज ही नहीं, क्रिएटिनिन घटेगा। सो मैंने भी ये किया था, बट जब मैंने रिजल्ट देखा तो, और मेरा रियली बताऊं आई वाज नॉट हैविंग एनी बिलीव ऑन आयुर्वेदा के ऊपर, मेरा कोई बिलीव नहीं था कि इतना जल्दी फास्ट रिएक्ट करेगा। बट मैंने देखा और मैं सबको ये बताता हूँ, मैंने कई लोगों को बताया, मैंने फेसबुक में बहुत लोगों को भी बताया कि आप डॉक्टर पुनीत धवन है कर्मा आयुर्वेद में, आप उनसे एक बार जरूर मिले। और जिन जिन लोगों को मैंने बताया वो सभी आश्चर्यचकित है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सो मेरा यही है कि एक बार बिलीव करिए और आइए यहाँ पर, स्टेटमेंट को अपनाइए और जो मुझे लगता है जो डाइटिशियन जो डाइट देते हैं उनको प्रॉपर फॉलो करिए और प्रॉपर मेडिकेशन करिए तो मुझे लगता है बेहतर हो जाएगी। बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं शकुंतला देवी को, उनके सुपुत्र आज हमारे बीच हैं और वो बता रहे हैं कि किस प्रकार फिजिकली भी तो काफी वो चेंजेस आए हैं। फिजिकली बहुत चेंजेस आए सर, कंडीशन ऐसी थी कि शी वाज नॉट एबल टू गेट अप फ्रॉम हर बेड। अभी कंडीशन ये है कि अब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर वॉकिंग करती हैं और बैठती हैं और नॉर्मल लाइफ जी रही है। वो कंडीशन तो ऐसी हो गई थी कि वी आर थिंकिंग नाउ शी विल नॉट रिकवर एट एनी टाइम, बट हमारे लिए लोगों के लिए तो मैजिक है, जस्ट लाइक द मैजिक मैजिक कि इतना इम्प्रूवमेंट हुआ। और ये भाई साहब तो देखने वाले हैं, ये मेरे फ्रेंड हैं और इन्होंने देखा और इस चक्कर में खुद इधर पे आए, मैंने बताया नहीं कि चलिए चलिए देखते हैं तो विजिट करने की, हाँ है कैसा रियलिटी है बस मैं बोल रहा हूँ, बट ये विटनेस है। और ये सबसे बड़ी विटनेस है जो आप रिपोर्ट लेकर आए हैं, जो आपने अपने ये लैब का चयन आपने अपने अनुसार किया ना। किस प्रकार से किडनी की समस्या को मात दे दी शकुंतला देवी ने। दोनों रिपोर्ट आपके सामने है, रिपोर्ट में स्कैन करके भी लगा दूंगा, आप देख सकते हैं इसको एनालाइज कर लीजिएगा। कोई भी रिपोर्ट हमारे आस पास की नहीं, हम कभी भी किसी पेशेंट को अपने आसपास रिपोर्ट कराने वाले के लिए कहते हैं, जो आसपास से आ जाए उनको भी कहते हैं कहीं और दूर जाके करो ताकि आपकी संतुष्टि बनी रहे कि ये लैब की जो रिपोर्ट है ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। अरे रीवा की और प्रयागराज की लैब है जहां से मैंने टेस्ट कराया, बिल्कुल